इन दिनों एसएनजी विद्या भवन के प्रांगण में भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पुनः प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के छठवें दिन परिसर में नवनिर्मित मंदिर में बने भगवान के मंदिरों की चाबियां मंदिर बनाने में बड़ा सहयोग करने वालों को समिति द्वारा सौंपी गई। जिन्हें यह चाबियां सौंपी गई उन्होंने तत्काल इन चाबियों को पुनः मंदिर समिति के अध्यक्ष को सौंप दिया। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष ने इन चाबियों को पुनः इस मंदिर की देखरेख करने वाले पुरोहित को सौंप दी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और इस कार्यक्रम को सदा के लिए अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत समिति के सदस्यों ने इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि हम सब समिति के सदस्य खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भगवान शिव ने इस कार्यक्रम के लिए हम समिति के सदस्यों को चुना और हमारे कार्यकाल में ये काम पूरा हुआ। आइए देखते हैं इस आयोजन की खास झलकियां। आज शामिल श्री हुए हैं। नारायण गुरु जी का नाम से हम लोग बनाया ये मंदिर। ये शिव मंदिर भी है, पहले से था शिव मंदिर, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको पुनः निर्माण किया है। अभी ये पूरा केरल का एक्स्ट्रा स्टाइल में बनाया है हम लोग मंदिर का। जो जितना भी स्टोन्स वगैरह सब साउथ से लेके आया है और उसका मतलब ये पूरा विधि प्रकार बनाया हुआ है। बनने के बाद दिल में उससे भी बहुत ही अच्छा बन गया है। तो बहुत काफ़ी पुराना सपना है श्री नारायण गुरु जी के नाम से एक मंदिर बनाना, उनके नाम से और भी है, आगे और भी हम लोग बनाएंगे। इनके बारे में लोगों को जानकारी देना है। ये इस एरिया में श्री नारायण गुरु ज़्यादा जानता नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है केरल में पहुँच गया है। हम तो चाह रहे हैं कि ये पूरे विलयवासी के लिए बहुत ही अच्छा मंदिर बन गया है, सभी लोग आकर के यहाँ पर शांति से यहाँ पर प्रार्थना करें, ना पूजा करें। तो ये दिस नॉट ओनली फॉर केरला, ये पूरा विलयवासियों के लिए है, पूरा छत्तीसगढ़ के लिए ही है।
ये एक समाचार देना श्री नारायण गुरु का बारे में हम लोगों को पूरा, और भी हम लोग यहाँ पर एक उनका एक एक्सप्रेशन टाइप का एक बनाने का है, उनका बारे में ज़्यादा जानकारी देते रहेंगे पूरा इलाही वासियों को। आज जो है मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ, उसके बाद में आज हम लोग का सपना था इसको इस मंदिर को पूरा करने का, इसका जो प्रेरणा जो मिली जहाँ पे जो हमको जो मंदिर आज 10 महीना 9 महीना के बाद में जो मंदिर अभी जैसे जो दिख रहा है इस रूप में बनाने का एक प्रेरणा जो मिली है वो लार्सन सर के थ्रू मिला, क्योंकि आप जो मंदिर छोड़े उसके बाद में हमको मंदिर बनाने के कमेटी में कुछ बातें चली रहे थे, उसके बाद में फिर एक निर्णय लिया था कि मंदिर बनाना है, लेकिन जो मंदिर बनेगा सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय मंदिर बनना, तो उसी के लिए फिर लार्सन सर ने हमको जो आर्किटेक्ट जो संदीप को दिया, उसके बाद में मंदिर बना जो इस रूप में जो दिख रहा है अभी, जो लार्सन सर जो कह रहा था कि जो जैसा हम लोग का जो सपना था उससे अधिक सपना में मंदिर बन गया है। वो फिर उसका जो चाबी जो है तंत्री को देना था, उनका पूजा विधि प्रकार जो करने का अधिकार तो तंत्री को है, तो चाबी सभी जो जितने लोग जो स्पॉन्सर किया था उनसे चाबी हम लोग प्राप्त करके अध्यक्ष के नाम से इसको बोलते हैं कि समाज होगा इसको मंदिर के लिए यजमानन बोलते हैं, तो उन्हीं का नाम से जो अध्यक्ष के रूप से मैं वो तंत्री को उन्हीं को सौंपा गया है। बाकी सभी लोग जो केरलावासी ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोग सभी लोग यहाँ पे इसी के लिए मंदिर में डोनेशन का आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत सहयोग किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस अवसर पर धन्यवाद भी देता हूँ। जो दक्षिण भारत का जो कला को हमने छत्तीसगढ़ में लाके जो निर्माण किया उसी का एक जो हम लोग के जो प्रेरणा हुआ था छत्तीसगढ़ी लोग छत्तीसगढ़ी का जगह पे जो लोग छत्तीसगढ़ में हैं उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमको ऐसा एक मंदिर बनाने का सौभाग्य हम पे दिया, यही आपको कहना। नमस्कार, आज श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के एसएनजी शिव मंदिर प्रांगण पर आज पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर छठवें दिन का कार्यक्रम है। आज भगवान के घर पे गृह प्रवेश के पहले चाबी रस्म की रस्म अदा की गई है, जिसमें हम सभी जो हमारे मंदिर के दानदाता थे उनके द्वारा हमने वो चाबी हमारे अध्यक्ष यानी यजमान जी श्री वी के बाबू सर को सौंपे, और उन्होंने हमारे तांत्रिक विद्या से जो पुजारी हैं प्रमुख पुजारी तो उनको सौंप कर हमारे शिव मंदिर के पुजारी श्रीमन प्रकाश जी को सौंपा गया है, और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इस दिनों का बहुत बेसब्री से समाज के लोग शिव भक्त लोग इंतजार कर रहे थे। आज वो पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें हमारे चेयरमैन कंस्ट्रक्शन कमेटी मंदिर के चेयरमैन श्री एन बी लालसन सर भी उपस्थित हुए, और शहर के बड़े बड़े उद्योगपति समाजसेवी सारे लोग उपस्थित हुए, उन्होंने हमें अनुग्रहित किया, और मैं सारे शहरवासियों से अपील करूँगा कि 12 तारीख को पुनः प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जरूर आवे और हमें आशीर्वाद जरूर दें। सर, जैसा आपने सोचा था इस मंदिर के बारे में कि एक मंदिर बनाना है, तो आपके सोच के अनुरूप बना है या उससे बहुत अच्छा बन गया आगे? ये हमारा बहुत बड़ा सपना था, और इस सपनों को बोलते हैं सपना जो देखना है उससे बहुत ज़्यादा साकार होना, वो आज हमने महसूस किया, हमने ही नहीं हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सदस्य ने वो महसूस किया कि आज जो सुबह जो बारिश हुई तो लोगों का कहना था कि इंद्र देवता भी आज प्रसन्न हुए हैं, और इस प्रांगण को देखते हुए लोगों ने कहा कि वाकई में केरल के जो मंदिर जो बारिश के समय जो प्रसन्नता दिखती है वो आज हमें देखने का महसूस प्राप्त हुआ। मंदिर बनना तो तय था, लेकिन विशेष खुशी क्या इसलिए हो रही होगी कि आप लोगों के कार्यकाल में ये मंदिर पूरा हो जी? ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह मैं मानूंगा कि श्री नारायण गुरु जी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तभी यह मौका हमें मिला है, और हमारी कमेटी के प्रत्येक सदस्य 53 लोग का एक कमेटी है, उन सभी सदस्यों को इन सभी भगवानों का हमारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तभी हम इतने कम समय पे यह कार्यक्रम संपन्न कर पाए।